भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्ञानी माना जाता था। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। उनकी सिखाई गई बातों का बहुत महत्व होता है। इनकी 10 बातों को आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो सफलता की गारंटी पक्की है। 1. श्री कृष्ण की सबसे खास बात यह थी कि वह किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते थे, वो अपना रास्ता खुद बनाते थे। वह मौके के हिसाब से अपने आप को बदल लेते थे। उदाहरण के रूप में आप उन्हें महाभारत में जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बन गए थे। 2. भगवान कृष्ण से दोस्ती करना सीखना चाहिए। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पांडवों का साथ दिया। ऐसा करके उन्होंने साबित किया कि दोस्त वही अच्छे और सच्चे होते हैं जो कठिन परिस्थिति में भी आपके साथ हों। ऐसे में आपको भी ऐसे दोस्ती बनाने चाहिए जो हर मुश्किल में आपके साथ रहें। 3. महाभारत के मैदान में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बहुत कुछ सीखा। ठीक वैसे ही आज के युग में भी सभी लोगों को अपने से श्रेष्ठ लोगों से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कृष्ण ने भी अर्जुन को अपनी गलतियों से सीखने का ज्ञान देते रहते थे। 4. अगर महाभारत के मैदान में पांडवों के साथ कृष्ण का मास्टर प्लान न होता तो पांडव को जीत मिलना नामुमकिन था। यही आज के समय पर भी लागू होता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक मास्टर प्लान जरूरी है। 5. डोंट वरी बी हैप्पी फंडे को कृष्ण ने गीता में ही सिखा दिया था। उन्होंने कहा था कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। 6. जैसा कि सभी को मालूम है कि भगवान कृष्ण कितने दूरदर्शी थे, ऐसे ही आज के दौर में आपको हर बात में दूरदर्शी होना चाहिए जिससे समय के हिसाब से चीजें आसान हो सके। 7. श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी काम को करने पर अगर असफलता मिलती है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी जगह पर उस हार के कारण को जानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इससे सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8. किसी भी काम को करने के लिए अनुशासन की बहुत जरूरत होती है। कृष्ण ने भी व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया है। 9. दोस्ती की मिसाल। जब दी जाती है तो भगवान कृष्ण और सुदामा का नाम पहले आता है। कृष्ण ने अपनी दोस्ती के दौरान भी अमीरी गरीबी नहीं देखी। यही आज के समय पर भी लागू होता है कि अपनी दोस्ती के बीच कभी भी अपने ओहदों को न लाएं। 10. भगवान कृष्ण की बुद्धि को सभी जानते हैं, इसलिए इन्हें कूटनीतिज्ञ भी कहते हैं। आज के समय में भी सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में आपको अपने विरोधियों से निपटने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। दोस्तों, ये भागवत गीता वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।